जम्मू कश्मीर में एक बार फिर 4G मोबाइल सेवा को लाल डंडा। 2G सेवाएं 27 अप्रैल तक बढ़ाई गई। सेवाएं पोस्ट पेड और वेरीफाइड प्रीपेड सिम पर ही उपलब्ध। 2 दिवसीय दौरे पर आज जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे सेना प्रमुख। सूत्रों के अनुसार 2 दिवसीय प्रवास के दौरान नियंत्रण रेखा के साथ अग्रिम मोर्चों का भी दौरा कर सकते हैं सेना अध्यक्ष। जम्मू कश्मीर में कल 2 डॉक्टरों समेत कोरोना के 22 नए मरीज आए सामने, आंकड़ा 300 के पार। इसमें जम्मू संभाग के 4 और कश्मीर में 18 मामले शामिल। सांबा पुलिस पर लोगों ने दिल खोलकर बरसाए फूल, भारत माता की लगे नारे। कई लोगों ने पुलिस कर्मियों के हाथों में भी फूल पकड़ा कर किया शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में 20 से सरकारी विभागों में शुरू होगा कामकाज। रोटेशन पर आएंगे कर्मी, इससे रुके पड़े विकास प्रोजेक्टों को फिर गति मिल जाएगी। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG की टीम क्वारंटाइन। सब इंस्पेक्टर के बेटे को हुआ था संक्रमण। बकरवालों को पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रबंध करेगा प्रशासन। गर्मियों का सीजन शुरू होते ही गुज्जर बकरवाल मैदानी इलाके छोड़कर पहाड़ों की ओर करते हैं रुख। सड़क या सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर हो सकती है अब कड़ी कार्रवाई। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिए दिशा निर्देश, 500 से लेकर अटेम्प्ट ऑफ मर्डर तक हो सकती है सजा। उपराज्यपाल ने प्रशासन से नॉन एसेंशियल बिजनेस इकाइयों को खोलने के लिए प्लान तैयार करने को कहा, दुकानदारों को मिल सकती है बड़ी राहत। प्री प्राइमरी तक के बच्चों को नहीं लेनी होगी कोई किताब, स्कूल बैग का भी वजन किया सरकार ने तय। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया ऑर्डर, पालन न करने पर हो सकती है कड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर रहने वालों पर कोरोना के साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन की डबल मार। पाकिस्तान की तरफ से पूरी LOC पर हो रही है गोलाबारी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बाद सरकार का अहम फैसला, जम्मू रेलवे स्टेशन के पास स्थित सरस्वती धाम, कालिका धाम और वैष्णो धाम को बनाया जाएगा कोविड केयर सेंटर। देश भर में कोरोना की रफ्तार में कमी, 24 घंटों में सिर्फ 447 नए मामले, 22 लोगों की मौत। कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 12,380 हुई। सोशल डिस्टेंसिंग का 2 साल और करना होगा पालन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्ययन में खुलासा। वैज्ञानिकों ने कहा कि वायरस के खिलाफ जंग में यही है पहला चरण। गिरावट पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 31,000 और निफ्टी 9,000 के नीचे। दुनिया भर के बाजारों में गिरावट का दौर जारी। अमेरिका में कोरोना की कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 2,400 से ज्यादा की मौत। पाकिस्तान में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,297 हुई, अब तक 117 की मौत।